दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय इविंग्स एकेडमी धर्मशाला। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में 9 अगस्त से शुरू होने जा रहे श्रावण अष्टमी के नवरात्र के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नवरात्र में श्रद्धालुओं को इस बार बिना पर्ची के मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। इस संदर्भ में SDM ज्वालामुखी मनोज ठाकुर ने कहा कि ज्वालामुखी शहर को आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए जाएंगे और वहां पर श्रद्धालुओं की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। वहां पर वाहनों को खड़े करने के लिए स्थान भी चिन्हित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार COVID-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मंदिरों में नो मास्क नो दर्शन का अभियान चलाया जाएगा। शहर के और आसपास के लोगों के लिए भी नव निर्मित कार पार्किंग नजदीक मिनी सचिवालय में अपने रिपोर्ट दिखाने पर उनको पर्ची मिल सकती है। 6 अगस्त को स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा जो है एक नई गाइडलाइन जारी हुई थी COVID-19 को लेकर। श्रावण अष्टमी के जो नवरात्र हैं उन में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए एक तो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना या दोनों वैक्सीनेशन की डोज के बाद जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसका होना जरूरी है। इन दो जो पात्रताएं हैं इनको पूरा करने के उपरांत ही कोई श्रद्धालु जो है वो मंदिर में जो है वो माथा टेक सकता है। इसलिए मेरा जो ज्वाला जी की स्थानीय जनता है और प्रदेश के और प्रदेश से बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि वो माँ ज्वाला जी के दर्शनार्थ इन मेलों के दौरान जो है अगर आना चाहते हैं तो कृपया वो तभी दर्शनार्थ जो है यहाँ आए यदि उनके पास या तो पिछले 72 घंटे के दौरान अपना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट हो, अन्यथा उन्होंने वैक्सीनेशन की जो दोनों डोज हैं वो लगा रखी हो, ताकि जो है जो इस बारे में COVID-19 का जो खतरा है उसको जो है वो प्रभावी तरीके से जो है वो रोका जा सके और सरकार के जो आदेश हैं उनकी पालना की जा सके। इसमें यदि श्रद्धालु जो हैं इन रिपोर्टों के बिना आएंगे तो उनको भी परेशानी होगी और प्रशासन को भी जो है वो अपना कार्य करने में जो है वो दिक्कत आएगी। इसके दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वालामुखी से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट।